हे गाइस, हेलो अशियर। सो गाइस, अभी 7-8 दिनों में आपका एमएसटी सीट का एग्जाम स्टार्ट होने जा रहा है, ठीक है। सो हम इसी के ऊपर बात कर रहे हैं। जो आज का वीडियो होगा वो आपके लिए बहुत स्पेशल होगा। इससे पहले एक बात कर लेते हैं कि यार, मुझे बहुत लोग यार डाउट पूछ रहे हैं कमेंट सेक्शन में पर्सनली, बट हर एक को यार रिप्लाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है, इंस्टाग्राम पे भी। तो एक काम करते हैं कि इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मुझे जितने पूछ सकते हो उतने आप मुझे डाउट पूछो। हमें ऐसा एक आगे वीडियो बनाएंगे जिसमें मैं आपका डाउट भी सामने रखूंगा, आपका नाम भी सामने रखूंगा, और फिर आपका आंसर देने की मैं वहां पे कोशिश करूंगा। तो यार, जितने भी आपके डाउट है इस कमेंट सेक्शन में, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे पूछे। इसी के साथ साथ जो भी कॉलेजेस के रिव्यूज है यार, सीयूपी हुआ, जितने भी गवर्नमेंट हुए, विजीटीआई हुआ, पीआईसीटी हुआ, इनके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। फॉर द कट ऑफ, उनका उनका कैंपस कैसा है, वहां पे माहौल कैसा है, फिर आपको वहां पे एक्सपोजर कैसा मिला है, इसके सब चीजों पे हम डिटेल में बात करेंगे। सो ये एक आइडिया है मेरा इस सीरीज का, तो वो कैसा लगा मुझे जरूर बताएं, ठीक है। सो आज की वीडियो की बात करते हैं। जैसा आपने थंबनेल देखा होगा कि यार 50 कॉन्सेप्ट 50 मार्क, ये क्या है। सो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक पीडीएफ दिया है जिसमें मैंने 50 कॉन्सेप्ट दिए है, कॉन्सेप्ट के नाम दिए है, टॉपिक के नाम दिए है। वो ऐसे है ना कि बहुत लोग इसको इग्नोर कर देते हैं लास्ट के 7 दिनों में, और इससे ही बहुत सारे क्वेश्चन यार आ जाते हैं। मैंने वो प्रीवियस ईयर के पेपर्स या बोर्ड बुक एनालाइज करके मैंने वो लिस्ट निकाली है 50 टॉपिक्स, ठीक है। सो वो जरूर जाके डाउनलोड करें। सो जो आज का वीडियो होगा उसमें हम बहुत ही खास चीज के ऊपर बात करने जा रहे हैं। तीन कैटेगरीज में इसको डिवाइड कर रहे हैं हम। वो तीन कैटेगरीज क्या है, पहले नाम बता देता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग नाम मैंने रखे हैं, ठीक है। तो फर्स्टली इज जीरो स्टडी इज द फर्स्ट कैटेगरी, देन द साइड हीरो स्टडी, एंड द थर्ड इज द हीरो स्टडी। अभी ये क्या है, सो फर्स्टली जीरो स्टडी के अंदर वो स्टूडेंट आते हैं जिनका यार स्कोर है 100 से कम और 100 पार करना चाहते हैं, तो इनके ऊपर पहले बात करेंगे। फिर साइड हीरो स्टडी, साइड हीरो स्टडी इज लाइक 100 से ऊपर आ रहा है, 120 तक आ रहा है, पर 120 के आगे नहीं जा रहा, ये हो गया हमारी सेकंड कैटेगरी। और थर्ड है हीरो स्टडी, जो कि यार लगभग 150 तक जा रहे हैं पर 150 क्रॉस नहीं हो रहा, तो इनके ऊपर भी हम बात करेंगे। सो वन बाय वन इन कैसा है ना कि हर एक को यार अपना डिफरेंट अप्रोच यहाँ पे रखना पड़ता है। हर एक वही स्ट्रैटेजी अप्लाई करेगा तो नहीं चलेगा, क्योंकि हर एक के सेम स्कोर नहीं आ रहा है ना, किसी का कम आ रहा है, किसी का ज्यादा आ रहा है, तो उनके हिसाब से वो स्ट्रैटेजी यहाँ पे अप्लाई करनी होती है। तो हर एक के केस में हम आज बात करेंगे। सो फर्स्टली, बहुत सारे ऐसे लोग हैं मुझे बोलते हैं कि 100 स्कोर पार नहीं हो रहा, ठीक है। सो उनका स्कोर आता होगा यार 50, 60, 80, 90, ठीक है, पर 100 स्कोर पार नहीं हो रहा, और उनकी भी ज्यादा इच्छा नहीं होगी यार, उनको भी यार 100 110 पार करना होगा, ठीक है। सो फर्स्ट कैटेगरी इज द जीरो स्टडी। सो फर्स्टली इनको क्या करना पड़ेगा, इन कैटेगरी के स्टूडेंट्स को। सो गाइज, मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि आपको सभी को दो दो मॉक टेस्ट देने हैं इन आने वाले 10 दिनों में, लास्ट के 10 डेज में, यानी कि 10 डेज में भी, फर्स्ट 6 to 7 डेज में, ठीक है, दो मॉक टेस्ट देने हैं। पर अभी जो जीरो स्टडी के कैटेगरी के स्टूडेंट्स है उनको क्या करना है, दो मॉक टेस्ट देने हैं, पर मॉक टेस्ट देने के बाद स्कोर नहीं देखना है एट द एंड ऑफ द पेपर। मतलब आप 3 घंटे का एग्जाम दोगे, उसके बाद आपको रिजल्ट नहीं देखना है। क्यों, तो क्या होता है ना, सपोज आपके जो दो मॉक टेस्ट आप भी देने जा रहे हो उसमें भी सपोज 100 पार नहीं हुआ, तो आप बहुत डिमोटिवेट यहाँ पे फील करोगे, ऐसा लगेगा कि यार नहीं हो रहा मुझसे, और फाइनल एग्जाम में भी नहीं हो रहा, यही नहीं हो रहा तो वह क्या होगा, ऐसे लगता है, ठीक है। तो इसलिए क्या करोगे, आप मॉक टेस्ट दोगे, पर किस लिए, टाइम मैनेजमेंट सीखने के लिए। मतलब टाइम मैनेजमेंट कैसे हैंडल करना है वो सीखने के लिए यहाँ पे आप पेपर दोगे, ठीक है। आपको यहाँ पे दो मॉक टेस्ट तो देने हैं, एनालाइज भी करना है उनको पेपर होने के बाद, बट आपको रिजल्ट बिल्कुल नहीं देखना है, उसको इग्नोर कर दो, खाली आप पेपर पे फोकस करो, पेपर देने की पूरी कोशिश करो, और फिर जाके यार रिवाइज करो जो भी आपको क्वेश्चन नहीं बने हैं, ठीक है। ऐसे एनालाइज करना है और रिजल्ट नहीं देखना है, ठीक है, रिजल्ट मत देखो, ठीक है। बहुत लोग बोलेंगे यार ये क्या बोल रहा है, रिजल्ट तो देखना पड़ता है, पर मत देखो, बहुत डिमोटिवेट यहाँ पे आप फील करोगे, ठीक है। सो आपको इसको छोड़कर और क्या करना पड़ेगा, जो भी मैंने यार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक जो पीडीएफ दिया है 50 कॉन्सेप्ट का, वो तो पहले आप जाके देख ही ले, वो कॉन्सेप्ट तो पहले देख ही ले, और फिर डू और डाई चैप्टर्स या डू और डाई टॉपिक्स की जितने भी वीडियोज है मेरे, वो जाके देखें, और उन्हें उनके टॉपिक्स पर फोकस करें जिनका वेटेज बहुत ज्यादा है और करने में बहुत आसान है। अभी आपको क्या करना है ना, जो भी ए कैटेगरी स्टूडेंट्स है, लाइक जीरो स्टडी कैटेगरी के स्टूडेंट्स है, उनको स्टार्ट करना है
फ्रॉम द बायो मॉलिक्यूल्स पॉलीमर्स केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, फिर फिजिक्स में सेमीकंडक्टर, कम्युनिकेशन सिस्टम, फिर मैथमेटिक्स में मैट्रिसेस एंड डिफरेंशिएशन। ये जो आसान आसान चैप्टर है ना, ये पहले कर लो यार, ये पहले कर लो, 100 कैसे भी पार हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई हमारी जीरो स्टडी के जितने भी स्टूडेंट्स थे उनके लिए बात। फिर जो सेकंड कैटेगरी आती है वो है दैट इज साइड हीरो स्टडी। ठीक है, जो भी यार 120 पार नहीं कर पा रहे, 130 क्रॉस नहीं कर पा रहे, उनके लिए 100 तो कर पा रहे क्रॉस, पर 130 के आगे नहीं जा रहा, तो उनको क्या करना होगा, मॉक टेस्ट आपको दो देने हैं एज यूजल। ठीक है, दो ही देने हैं, रिजल्ट भी देखना है। ठीक है, रिजल्ट देखना है और उन टॉपिक पे फोकस करो यार जो आपसे बिल्कुल नहीं बना था मॉक टेस्ट में, बिल्कुल नहीं बना था। 50 जो कॉन्सेप्ट्स मैंने, टॉपिक्स जो गिवन है आपको वहां पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पीडीएफ में, वो तो अच्छे से देख लेना है, वन बाय वन, चैप्टर बाय चैप्टर। और फिर उसी के साथ आपको वो करना है जो आपको पहले से ही आता है, जो भी पहले से आता है ना, लाइक सपोज आपको इंटीग्रेशन आता होगा यार, अच्छे से कर लेना, 4-5 क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे। ठीक है, डिफरेंशिएशन आता होगा, जो भी चैप्टर्स आते हैं, काम करो, टेक्स्ट बुक उठाओ, टेक्स्ट बुक जितने भी महाराष्ट्र बोर्ड के वो उठाओ और अच्छे से देख लो, एक बार अच्छे से देख लो कि यार कौन से चैप्टर मुझे आते हैं, कौन से चैप्टर मुझे आते हैं, उनको टिक करते जाओ और उनको ही रिवाइज करो। सेल्फ मेड नोट्स उसी चैप्टर में से पढ़ो, फिर समरी उनकी ही पढ़ो, फिर फॉर्मूला शीट उनकी ही पढ़ो उन चैप्टर्स की। ठीक है, सो ऐसे आपको आपका स्कोर यहाँ पे इम्प्रूव होगा। और मुझे लगता है यार आपका 130 स्कोर आ रहा है तो टाइम मैनेजमेंट आपसे बन ही रहा होगा अच्छा खासा। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट भी थोड़ा ज्यादा फोकस करना, क्योंकि जो फर्स्ट सेशन होगा फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री में, उसको आपको फर्स्ट 80 मिनट, 90 मिनट तो फर्स्ट सेशन होता है, तो उसमें से 80 मिनट आपको पूरा डेडिकेशन के साथ फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री यहाँ पे टैकल करना है। 10 मिनट में आप यहाँ पे इंटेलिजेंट गेसिंग यूज कर सकते हैं, और बाद में तो मैथमेटिक्स का पूरा पोर्शन ही 1.5 घंटे में आपको कवर करना है। ठीक है, सो ऐसी अप्रोच आपकी होनी चाहिए फॉर द कैटेगरी साइड हीरो स्टडी। ठीक है, फिर अभी हीरो स्टडी की बात करते हैं, हीरो स्टडी कैटेगरी की। सो इस कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स है उनका स्कोर है 150 टच हो रहा होगा, 150 के पार नहीं जा रहा होगा। ठीक है, सो उनके लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि आप यार थोड़ा सा भी यहाँ पे स्कोर बूस्ट कर लेते हो ना यहाँ पे 10-20 मार्क से, तो आपका काम बन जाता है जो भी 150 यहाँ पे अभी टच कर रहा है। ठीक है, सो उनको क्या करना पड़ेगा ना, वो ज्यादा से ज्यादा यार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो है, हाँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस यार तीनों कैटेगरीज को इक्वली देखना है, सभी को देखना है। मतलब ऐसा नहीं कि किसी एक कैटेगरी को यहाँ पे ड्रॉप करना है, आपको तीन जितने भी कैटेगरीज है ना, जो जीरो स्टडी कैटेगरी है, फिर साइड हीरो स्टडी है और फिर द हीरो स्टडी है, तीनों कैटेगरी को इक्वली यार PYQs पर ज्यादा फोकस कर रहा है, दैट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर पेपर्स। ठीक है, सो ये तो हो गई, इनके बाद को आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करना है, टॉपिक वही करने हैं जो कि हर बार पूछ जाते हैं, रिपीटिवली यहाँ पे पूछ जाते हैं। हाँ एक बात बताता हूँ मैं, कि बहुत लोग क्या बोलते हैं ना, पूछते भी है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से प्रीवियस ईयर का डायरेक्टली क्वेश्चन मिल जाता है क्या एग्जाम में। ठीक है, सो ऐसी बात नहीं होती यार, बहुत रेयर होता है, एक दो क्वेश्चन मिल जाते होंगे, बट कैसा होता है ना कि रिपीटेडली वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे दोबारा रिपीट होते हैं एग्जाम में। ठीक है, जो भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, सपोज पिछले साल रोल्स थ्योरम पूछा गया था, हाँ तो हो सकता है कि रोल्स थ्योरम पे क्वेश्चन थोड़ा घुमा के इस बार पूछा जाए, पर उसी कॉन्सेप्ट में पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट यहाँ पे रिपीट होते हैं, ना कि क्वेश्चन। ठीक है, ये बात अच्छे से पहले आप समझो कि कॉन्सेप्ट यहाँ पे रिपीट होते हैं, क्वेश्चन नहीं होते हैं। ठीक है, हाँ सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन मिल जाते हैं, पर आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट रिपीट होता है। ठीक है, थोड़ा ट्विस्ट करके यहाँ पे पूछा जाता है, बट सवाल थोड़ा लगभग सेम ही होता है, बट ऐसा नहीं करते कि यार डायरेक्टली उठा के ही यहाँ पे पटक दिया इस साल के एग्जाम में, ऐसा नहीं होता। आपको वही कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, रोल्स थ्योरम का पूछा गया था, रोल्स थ्योरम ही पूछेगा, बट आपको थोड़ा क्वेश्चन यहाँ पे घुमा के पूछा जाएगा। ठीक है, सो ये तो बात हो गई यार, अभी जो 50 मैंने कॉन्सेप्ट की यहाँ पे लिस्ट प्रोवाइड की है वो अच्छे से देख ले, क्योंकि वो ऐसे नहीं है कि वो हॉटस्पॉट नहीं है कि यार वो 50 करके जा और 50 मार्क मिल जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। वो मैंने ऐसे पिक किए है ना कि वो बहुत लोग इस 7 दिनों में, लास्ट के 10 दिनों में इग्नोर कर देते हैं उन टॉपिक्स को, उन 50 टॉपिक्स को, तो अच्छे से देख लेना। क्योंकि यार उसमें मैंने एक टॉपिक दिया है केमिकल बॉन्डिंग का, दैट इज द स्टेबिलिटी। अब स्टेबिलिटी की जो ऑर्डर है ना, रिएक्टिविटी के ऑर्डर हो गए, केमिकल रिएक्टिविटी की, सो वो जो ऑर्डर है ना वो बहुत बार रिपीट होता है हर साल। ठीक है, सो अच्छे से देख लेना है। फिर जो कंपाउंड गिवन होता है, उसके हाइब्रिडाइजेशन और उसके जो कंपाउंड में एक पर्टिकुलर एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, ये बहुत बार रिपीट होता है, इसका क्वेश्चन आपको श्योरिटी से
कंपल्सरी मिल जाता है ऑक्सीडेशन स्टेट का। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना ऐसे, ये रिपीट होते हैं, ठीक है, हर साल रिपीट होते हैं, ठीक है। तो इनको आपको फोकस करना है, ठीक है, ऐसे ही आगे बढ़ना है। और जो भी मैं आगे की वीडियोस बना रहा हूँ यार, उन पे अपना ओपिनियन जरूर दे देना कमेंट सेक्शन में। और आज का वीडियो आपको होपफुली पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, ठीक है, और जो भी है यार जितना भी हो सके शेयर कीजिए, ठीक है। तो थैंक यू गाइस फॉर लिसनिंग, आपको ऐसे ही बने रहना है और पढ़ाई करते रहिएगा, ठीक है। मैं तो समझता हूँ यार आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी खासी चल रही होगी, ठीक है। तो स्टे ट्यून एंड ऑल द बेस्ट।